नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर भिंड से आ रही है। मेहगांव प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ओपीएस भदौरिया ने डॉक्टर रामेश दुबे के निज निवास पर पत्रकार बंधुओं से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जानकारी अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया डॉक्टर रमेश दुबे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाताओं का आभार किया। साथ ही मतदाताओं के हाथ जोड़कर भूलवश हुई गलती की माफी भी मांगी। विशेष चर्चा पूर्व मंत्री जी के साथ ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। इस समय भिंड के विकास में बहुत बड़ी योगदान और भूमिका प्रेस की है। राजनीति से अलग हटके हम सोचें तो प्रेस मीडिया एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो चिंता करता है क्षेत्र के विकास की। इसमें मैं राजनीतिक लोगों से उतनी अपेक्षा नहीं कर सकता जितनी आप लोगों से कर सकता हूँ। तो अब चुनाव के बाद, क्योंकि भिंड वास्तव में पिछड़ रहा है, भिंड का विकास कैसे हो और भिंड कैसे अग्रणी बने संभाग के दूसरे जिलों से, इसमें भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और मेरा सहयोग भी करना है, मेरा मार्गदर्शन भी करना है। इससे हम सब लोग मिलके एक मंच पे बैठ के, क्योंकि भिंड आखिर में हमारा अपना है, इसके विकास के बारे में हम लोग गहराई से विचार करें और क्या योजनाएँ हो सकती हैं जिससे भिंड प्रगति की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े। ये हमारा आपसे एक विशेष गुजारिश है, विशेष निवेदन है और इस पे हम चुनाव के बाद इस लाइन पे हम काम करना चाहते हैं। समय समय से हम लोग बैठ भी सकते हैं, कोई सेमिनार भी आयोजित कर सकते हैं जिसके माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को बिठा के कोई अच्छे विचार आते हैं तो उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। संक्षेप में मेरा कहना ये है कि भिंड के विकास में भी आप सबका मुझे महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग चाहिए, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। मंत्री जी, आपके ही मेहगांव क्षेत्र में एक गांव है।